मथुरा कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग और कर कलेक्टर की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के साथ साथ अभियोजन, जनसुनवाई आदि के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश अधीनस्थों को दिए। राजस्व विभाग की वसूली और कर कलेक्टर की मासिक प्रगति जानने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी ADM, SDM, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। वहीं अभियोजन से संबंधित DGC आदि के साथ बैठक की। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि तहसील में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, इसके निर्देश संबंधित तहसील के SDM और तहसीलदार को दिए हैं। इसी के साथ कर कलेक्टर विभाग के पिछले माह के साथ तुलना कर समीक्षा की गई। आज कलेक्ट्रेट में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उसमें विभिन्न इश्यूज को डिस्कस किया गया। राजस्व न्यायालयों में किस प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है उसकी प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही साथ हमारे कर कलेक्टर के जो विभिन्न विभागीय अधिकारीगण हैं उनसे पिछले माह की जो प्रगति है उसके बारे में जानकारी ली गई। तहसीलों में जो जनसुनवाई के दौरान शिकायतें आती हैं उनके निस्तारण के बारे में भी जानकारी ली गई और साथ ही साथ सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उसमें चाहे CM हेल्पलाइन हो, IGRS की शिकायतें हैं, इन सभी में समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो रहा है कि नहीं उस संबंधी निर्देश भी दिए गए। तो विभिन्न बिंदुओं के ऊपर बैठक की गई है। अभी अभियोजन के संबंध में भी सभी हमारे जो DGCs या SPOs इत्यादि हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। जो हमारे न्यायालयों में मुकदमे हैं उनके भी निस्तारण को उनकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी और तेज़ी से वो निस्तारण हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आज ब्रॉडली रेवेन्यू जो हमारे जो जनसुनवाई के प्रकरण हैं उनके निस्तारण की गुणवत्ता, अभियोजन संबंधी जो हमारी विभिन्न जो प्रोग्रेस है उन सभी के रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आज बैठक की।